योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एक कथित इस्तीफा लिखकर बवाल मचा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को न देकर बल्कि सीधा गृह मंत्री और बीजेपी के कथित नंबर टू के नेता अमित शाह को भेज दिया। इसके बाद से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। खासकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तीखा हमला बोला। अब जब किसी विषय में अखिलेश यादव शामिल हों तो केशव प्रसाद मौर्य भला कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके विपक्ष को लपेट लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक मानने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी, भाजपा को ज्ञान नहीं दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। दरअसल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सीधे योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले। ऐसी भेदभाव पूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। एक और ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए कि अब अगली बारी किसकी है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट इसका ही जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जन प्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें। कर्मचारियों को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी, साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने किसी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया है। नहीं, ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी, और जहां का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। सर, इस एक्शन को बोला जा रहा है कि आप इस एक्शन से काफी नाराज हैं, इसलिए जेपी नड्डा और अमित शाह जी से मिलने का टाइम मांगा है दिल्ली के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। कहा जा रहा है कि योगी जी और आपकी कोई नाराजगी है क्या, कोई उनसे मुख्यमंत्री जी? मैंने बताया ना कि उनकी टीम में हम सब लोग काम कर रहे हैं प्रदेश की सेवा में, प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मूड में दिखाई दे रही है।